नमस्कार, ये ना तो कोई मेरे चैनल की वीडियो है, ना कोई ब्रांड वीडियो है, ना कोई रैंडम रील है। बस एक बात कहनी थी आपसे, प्लीज आखिर तक सुनिएगा। दोस्तों, इस साल शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने। उनकी दोनों ही फिल्में पठान और जवान ने जो तहलका मचाया, ऐसा पहले कभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिला। कमाई के मामले में शाहरुख खान की जवान ने पठान तक को पीछे छोड़ दिया है। अब उनकी फिल्म डंकी रिलीज का सबको इंतजार है, जो 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। लेकिन इसमें एक जबरदस्त पेश फंसा है। दरअसल शाहरुख खान से बॉक्स ऑफिस पर पंगा लेने साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार भी 22 दिसंबर को ही रिलीज हो रही है। दोनों फिल्मों के बीच कलेश देखने को मिलेगा। हालांकि खबर है कि प्रभास ने शाहरुख खान को पछाड़ने के लिए जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी के बीच सालार और डंकी को लेकर मशहूर यूट्यूबर वीबीके वाइंस के नाम से मशहूर भुवन बाम ने भी इसी बीच अपना बड़ा बयान जारी किया। भुवन बाम ने अपने बयान में कहा कि दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लोग फिल्म सालार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं शाहरुख खान के चाहने वालों को भी कोई कमी नहीं है। वो भी डंकी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि शाहरुख खान से पहली बार कोई टक्कर लेने जा रहा है, और वो भी अपने करियर को दांव पर लगाकर। हालांकि मैं सालार को बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी राय रखूँ तो मुझे शाहरुख खान सर की फिल्में ज्यादा पसंद आती है, और मुझे शाहरुख खान सर की फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसका बड़ा सबूत ये है कि मुझे शाहरुख खान सर जैसा कोई भी आज तक ऐसा स्टार नहीं मिला जो कि अपनी दरिया दिल्ली की वजह से जाना जाता हो। मैं शाहरुख खान सर से पर्सनल मिला हूं, और उनका नेचर सच कहूं तो काफी ज्यादा लाजवाब है। शाहरुख खान सर की पठान और जवान ने लगभग 1000 करोड़ के पार कमाई की थी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार डंकी भी 1000 करोड़ के पार कमाई करेगी। और अगर ऐसा होता है तो शाहरुख खान सर भारत ही नहीं विदेशों तक में नंबर 1 स्टार बन जाएंगे जिनकी 1 साथ 3 फिल्में हिट हुई हो, और वो भी 1000 करोड़ के पार। तो दोस्तों, इस तरह से फिल्म डंकी और सालार को लेकर बीबीके वाइन के नाम से मशहूर भुवन बाम ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। बहरहाल दोस्तों, आप भुवन बाम के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।